हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो यहाँ पर मैं आपको मेरा ट्रेडिंग सेटअप दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर रहता ना हूँ, ये मेरा हाउस है। सो मैं नागपुर में रहता हूँ, वहाँ पर मेरी रूम है। सो मेरी डेली वीडियो वहाँ पे ही बनती है, लेकिन मैं अभी होली के दिन मैं अभी घर पे आया हूँ, छुट्टी आए तो। इसलिए मैं अभी आपको मेरा यहाँ का ट्रेडिंग सेटअप दिखाता हूँ। मेरा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन बनाऊँगा आगे। चलो आपको दिखाता हूँ मेरा ट्रेडिंग सेटअप। एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर एक मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप लिया था मैंने, न्यू कंडीशन में लिया था, एसुस का। और यहाँ पर एक एलईडी टीवी है, मेरे घर पे ही थी, तो इसे मैंने एचडीएमआई केबल से यहाँ पर अटैच कर लिया है। और यहाँ पर एक मेरी चेयर है, ये पुरानी वाली है चेयर, ऑफिस में रहती थी, अभी वो नई चेयर आ गई, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया। और ये मेरा बुक है, यहाँ पर मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पर मेंटेन करता हूँ। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो कि हर दिन की यहाँ पर मेरा ट्रेड है, और यहाँ पर मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पर मेंटेन करता रहता हूँ हर रोज़। तो और ये मेरी गिटार है, कभी कभी बजा लेता हूँ उसको। यही था मेरा छोटा सा ट्रेडिंग सेटअप। अगर आगे प्रॉफिटेबल बनूंगा तो इससे भी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बनाऊंगा, और आपको भी दिखाऊंगा और आपको भी सिखाऊंगा कि किस तरह से किया जाता है। जब मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा तब मैं आपको हर चीज़ आपको अपडेट करता रहूँगा। और दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे पास उतने पैसे थे कि मैं ओरिजिनल पैसे लगा कर ट्रेडिंग कर सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैं पहले पेपर ट्रेडिंग किया दो महीने के बाद मैं अभी कुछ समथिंग पैसे लगा कर अभी ट्रेडिंग करूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, पढ़ने से लेकर पेपर ट्रेडिंग से लेकर और ओरिजिनल मनी लगाने से लेकर। इस तरह से मैंने पूरी अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं किया, अभी तो चालू किया है, लेकिन ये पहला स्टेज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से मेरा ट्रेडिंग सेटअप था, और अगले वीडियो में आपको अपडेट करता रहूँगा कि मैंने ओरिजिनल मनी से किस तरह से ट्रेडिंग किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो अपने भाइयों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।